बड़ी हैरत की बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट में तालिबान को औरत नहीं पसंद। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ीमेल्स, लड़कियों, औरतों, ख़वातीन पर ड्रामा, फ़िल्म और थिएटर में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। ख़वातीन हैं वो हिजाब पहनकर रिपोर्टिंग करेंगी, यानी टीवी पर अगर न्यूज़ का डिपार्टमेंट है तो न्यूज़ के डिपार्टमेंट में भी उनको सिर्फ उसी सूरत में इजाज़त होगी कि जब वो हिजाब पहने, अपना स्कार्फ पहने सर पर, और स्कार्फ पहनकर अपने आप को ढांप के सही जो वो कहते हैं उस तरह के कपड़े पहनकर वो रिपोर्टिंग कर सकती हैं, यानी ये कि न्यूज़ पढ़ सकती। फीमेल्स हैं, लड़की है, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको नहीं पसंद। बड़ी मुश्किल से उसको इजाज़त दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो अपना कलर दिखाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ीमेल्स, लड़कियों, औरतों, ख़वातीन पर ड्रामा, फ़िल्म और थिएटर में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। नई गाइडलाइंस वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह पर भेजी गई हैं और उन गाइडलाइंस में अब जो फ़ैसला किया गया है, जो डिसीजन लिया गया है वो ये है, अल्टीमेट डिसीजन तालिबान का ये है कि वहाँ पर बनने वाले जो भी ड्रामा इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री, जितने भी ड्रामे फ़िल्में बन रही हैं या ये कि थिएटर के नाम पर कुछ हो रहा है, तो उसमें सिर्फ मर्द काम करेंगे, सिर्फ आदमी काम कर सकेंगे, यानी सिर्फ मेन आर्टिस्ट होंगे उसके अंदर और उसके अंदर फीमेल आर्टिस्ट नहीं होंगी। विमेन आर्टिस्ट उन ड्रामों में, फ़िल्मों में, थिएटर में बिल्कुल निकाल दी गई हैं कि किसी भी ड्रामे, फ़िल्म या थिएटर में कोई औरत नज़र ना आए, कोई लड़की नज़र ना आए, कोई खातून नज़र ना आए। यानी ख़वातीन पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में काम करने पर या आर्ट आप कह लें, आर्ट के नाम पर फ़न और फ़नकार हम जो कहते हैं, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है कि ना वो अफ़गानिस्तान में फ़िल्मों में काम कर सकेंगी, ना वो ड्रामों में काम कर सकेंगी, ना वो कोई थिएटर या इस तरह का स्टेज ड्रामा या जो कुछ भी होता है उसमें काम कर सकेंगी। रेडियो के हवाले से भी मेरा ख्याल है ऐसी कोई गाइडलाइंस होंगी एग्जैक्टली, वैसे उसमें वो नज़र तो नहीं आती, लेकिन क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि तालिबान ने क्या किया था। एक गाइडलाइन आई थी और जिसमें ये कहा गया था कि जो हैं, यानी जो ख़वातीन हैं, वो हिजाब पहनकर रिपोर्टिंग करेंगी, यानी टीवी पर अगर न्यूज़ का डिपार्टमेंट है तो न्यूज़ के डिपार्टमेंट में भी उनको सिर्फ उसी सूरत में इजाज़त होगी कि जब वो हिजाब पहने, अपना स्कार्फ पहने सर पर, और स्कार्फ पहनकर अपने आप को ढांप के सही जो वो कहते हैं उस तरह के कपड़े पहनकर वो रिपोर्टिंग कर सकती हैं, यानी ये कि न्यूज़ पढ़ सकती हैं टीवी पर। और अभी भी यही है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके अलावा एक और बहुत ही फ़नी एक गाइडलाइन उनकी जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो औरतें हैं वो ऐसी ड्रेसिंग ना करें जिसकी वजह से उनके जो बॉडी है वो ज़ाहिर हो, यानी ये कि उन नज़र आए, उनकी जिसामत नज़र आए। यानी वो क्या करें, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ सकी। अच्छा देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट में तालिबान को औरत नहीं पसंद। जो फ़ीमेल्स हैं, लड़की है, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको नहीं पसंद। बड़ी मुश्किल से उसको इजाज़त दे रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जब वो सड़कों पर निकलें तो वो अपने आप को बुर्का ना, यही मतलब हुआ कि जब उन्होंने गाइडलाइंस ये जारी की कि आप ऐसी ड्रेसिंग करें कि जिसमें आपकी जो बॉडी है वो नज़र ना आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि भाई बुर्का पहन लो, सब बुर्का पहन लो, बुर्के के बगैर नज़र ना हो, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में वहाँ पर ख़वातीन को नहीं देखना चाहते। लेकिन ये ख़बरें सबसे पहले आती हैं, बड़े कॉन्टीन्यूसली ये वाली न्यूज़ हम तक पहुंचती हैं कि वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने शादी के लिए जो है वो गए हैं और घरों से जो है वो उनको उन्होंने कहा है कि हमें दें आप जितनी भी आपकी बेटियाँ हैं, और चाहे वो जिस भी उम्र की हो वो उसे ले जाते हैं और उससे शादी कर लेते। इसके लिए उनको चाहिए औरत, चाहे उसकी जो एज है वो जितनी मर्जी हो। तो आप इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जो मेंटालिटी है वो कितनी बदली है। देखिए, आपको याद होगा जब से ये हुकूमत आई है, तालिबान गवर्नमेंट जब से कायम हुई है, तो उस वक्त से हम ये बात कर रहे हैं कि ये नए तालिबान हैं, ये हैं नए तालिबान। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो जिन लोगों का अभी तक ये स्टैंड है कि नहीं, ये जो गुड एंड बैड तालिबान की बात होती है, तो ये हैं गुड तालिबान, आहिस्ता आहिस्ता जो अपना कलर दिखाते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया से बड़ी कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, किसी की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिल रही है, बल्कि ये कि जो एसेट्स थे फ्रीज़ वो भी नहीं उनके ओपन किए जा रहे, और इसके अलावा उनको जो फंडिंग है, जो इमदाद है, वो भी उस तरीके से जिस तरह वो चाहते थे नहीं पहुँचाई जा रही। तो फिर अब उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है, फिर हम अपने तो काम करें ना, जो हमने करना है। तो अब ये देखिए कि दुनिया की तरफ से एक ये कंडीशन थी तालिबान के ऊपर कि आपको हम उस सूरत में रिकग्नाइज़ करेंगे जब आप ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो वीमेन राइट्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वीमेंस को पूरे राइट्स देंगे जो बाकी तमाम कंट्रीज़ में हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दे सके। और दूसरी बात ये थी कि उनकी एजुकेशन जो है वो आप रुकने नहीं देंगे। लेकिन इन दोनों पर हमने देखा है कि इस तरह के वहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं। और तो अब 20 ईयर्स के बाद यानी 2 डेकेड्स के बाद, इसकी वजह यह है कि इससे पहले जब 20 साल पहले तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान पर, तो उस वक्त भी उन्होंने इस तरह की तमाम चीज़ों को बैन किया हुआ था। आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कुछ उन्होंने बैन किया हुआ था अफगानिस्तान में। और अब एक मरतबा फिर यही हो रहा है कि उन्होंने इन चीज़ों पे पाबंदी लगानी शुरू करी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे जो अब फिल्में बनेगी उसमें तो सिर्फ आदमी आदमी नज़र आएंगे। किस किस्म का स्क्रिप्ट होगा, वो कैसे करेक्टर्स होंगे, वो क्या कहानी होगी जिसमें औरत को कोई तस्वर नहीं होगा। मतलब ये सोचने की बात है ज़रा कि इस वक्त ये तालिबान जिनकी गवर्नमेंट है, ये पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं। एक्सपोजर है इनका, ये वो नहीं है कि जो गार से निकले, किसी केव से निकले, किसी पहाड़ों से निकले और उन्होंने जाके जो है शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कमांडिंग है, जो इस वक्त कमांड कर रहे हैं सबको, वो एक्सपोजर उनका इतना है कि वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जैसे जो स्पोक्स पर्सन है, वो तमाम दुनिया के टेलीविज़न चैनल्स पे CNN जैसे और जो गार्डियन जैसे वहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बैठ के और बात कर रहे हैं वहाँ पर रिपोर्टर से। उनके जहन में क्या ये बात नहीं है कि वो ऐसा कोई स्टेप लेंगे तो दुनिया की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? और क्या वो ये नहीं समझते कि एक ड्रामा या एक फ़िल्म या थिएटर बग़ैर औरत के, कि पूरी फिल्म में कोई भी औरत नहीं होगी और अब ऐसी ही फिल्में बनेंगी, तो उसके अंदर फिर तालिबान ही होंगे सारे, तो फिर वो अपने ऊपर ही बना लें, जो कुछ भी वो बना रहे हैं वैसी ही फिल्में आएंगी। मैं तो ये समझती हूँ कि इसके ऊपर हालांकि मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आया दुनिया की तरफ से, लेकिन जाहिर है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो देख ही रहे हैं ना, वो कहेंगे इसी को देख रहे हैं। वो सब चुप होकर इसलिए बैठे हुए हैं कि वो बस इनको देख रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो लेकिन पाकिस्तान जो कि इस वक्त खुद ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जब हमें यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, गैस, बिजली, आटा, पानी, ये सब कुछ है नहीं, और हम उनके लिए बड़े बड़े अरबों रुपए के पैकेज जो हैं वो दे रहे हैं। इसकी मुझे समझ में नहीं आ रही। यानी हमारे लोगों से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं जो भूखे मर रहे हैं उनसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। भाई देखें, आप जब अपना पेट भरा होता है उसी वक्त आप दूसरे की मदद करते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप अपना पेट काट के और आप दूसरे की जो है वो मदद करना शुरू कर दें। इतना पता नहीं कौन सा भाईचारा जो है वो आ गया अफ़गान हुकूमत के आने के बाद। एनीवेज़, एक तो ये खबर जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती थी, और ये बड़ी एक अलार्मिंग न्यूज़ है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि दुनिया को इसके ऊपर रिएक्शन शो करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये जो आप वही कुछ कर रहे हैं जो आप पहले किया करते थे, और उसके बाद आपने आने के बाद कहा कि नहीं नहीं हम तो बड़े गुड तालिबान हैं। जो लोग इनको गुड तालिबान कहते थे वो देख लें कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। एक और खबर, बड़ी खबर जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी बहस की गई, वो खबर ये है कि इंडिया के विंग कमांडर जो कि अब ग्रुप कैप्टन कहलाते हैं, उनको वहाँ का एक बड़ा अवार्ड दिया गया है। अब जाहिर है आप जानते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड जो है वो एक बहादुरी पर, करेजियस बिहेवियर कहीं पर शो करने पर, और ख़ास तौर पर जो वॉर हीरोज़ होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये अवार्ड जिसको कहा जाता है वीर चक्रा, ये उनको दिया गया है।